भाई तुम्हें ये काय के लिए बुलाया इधर? मेरा ही सवाल आप कर रहे हो तो मैं क्या जवाब दूं? तकरीबन 3 साल एक भी टैंकर अमीनाबाद में नहीं आया। बाद में पता चला कि एक इल्लीगल बिल्डिंग बनी ग्रीन मिल, कि उन्होंने वहां से 6 इंच की लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन ले। जिन गरीबों के लिए पानी आया था उन तक पहुंचने से पहले कोई और पानी को खींच ले, 2 बार कार्रवाई करके वो कनेक्शन काटा, फिर से वो ज्वाइन कर ले। काम करने वालों को रोका कैसा जाए? कम से कम मेरे जो बिल्डर भाई है इल्लीगल, वो भी मेरे ही भाई है, और मैं अपना पैसा लपट के मैं निकल जाऊंगा। वो पानी के लिए खून के आंसू रोएंगे लोग। हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरी किसी से कोई दुश्मन ही नहीं है, और भूख हड़ताल नहीं करेंगे, हमको भूखा रहने का, खा पी के करेंगे सब काम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे पत्रकार भाइयों, मौजूद मेरी बहन भी है यहाँ पर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोग लेते रहते हैं अक्सर, मगर आज कुछ मुद्दा ऐसा है कि जेन्युइन मुद्दा है, जिसकी वजह से मैंने कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मोतबर भी पत्रकार इसमें मौजूद रहे, जैसे अनवर भाई खुद मौजूद है, हुसैन भाई है, यूनुस भाई, क्या भाई है, यूनुस भाई है, और बाकी भी लोग, किसी का मैं नाम भूल जाऊँ, हुसैन भाई, मोइन भाई, इस्लामुद्दीन। ये इसकी वजह आज ये है भाई कि वाटर का इशू चल रहा है, पानी का। लोगों को पानी की काफ़ी तकलीफ हो रही है। जब हमने इस वार्ड के आजीज बाटा के जाने के बाद भागम दौड़ी संभाली, आज 3 साल हो गए, ये अमीनाबाद शफीका कंपाउंड, यहाँ के लोग पिछले 15 साल से पानी के लिए परेशान थे। जिसको हमारे वार्ड की जिम्मेदारी जब से हमने संभाली, टीएमसी की तरफ से सम्प पंप आया, वो सम्प पंप आने के बाद भी इनको पानी की लाइन वहाँ से नहीं आ रही थी। अवार्ड साहब से हमने बात किया, अवार्ड साहब ने वाटर डिपार्टमेंट में बात करने के लिए 1-6 इंच की लाइन अमीनाबाद के लिए डाली गई, जो दौलत नगर से घूम के अमीनाबाद में आ रही है। तकरीबन 3 साल एक भी टैंकर अमीनाबाद में नहीं आया। सब खुश थे, सबको पानी बराबर आ रहा था, रात का पानी भी आ रहा था, सम्प पंप का दोपहर का पानी भी आ रहा था। कभी रात का पानी नहीं आता तो इनका काम सुबह के पानी से चल जाता था। हमको 2.5-3 साल में किसी ने भी पानी के लिए आवाज नहीं दिया। अब हमने जब वार्ड में काम करते, आप लोग देखते होंगे हम लोग सुबह से ही लगे हुए रहते, तो लोगों का फिर से इस मसले के ऊपर बोलना शुरू हो गया कि भाई पानी रात को कम आया, प्रेशर नहीं आया, दोपहर का पानी नहीं आ रहा है। ये 1-1.5 महीना खींचता चला गया। हमको लगा कि पीछे से प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा। बाद में पता चला कि एक इल्लीगल बिल्डिंग बनी ग्रीन व्यू के पास। हम कोई बिल्डर से, हमको कोई बायर नहीं है, वो भी हमारे भाई है, कमाए खाए। मसला ये है कि उन्होंने वहाँ से 6 इंच की लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया। अब 6 इंच की लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन लेके बड़े बड़े मोटर लगा के वो पानी खींच लेते, जिसकी वजह से हमने वाटर डिपार्टमेंट को बुलाया था बीच में, उन्होंने आके 2 बार कार्रवाई करके वो कनेक्शन काटा, फिर से वो ज्वाइन कर लेते। अब ऐसा हो गया है कि वो जिन गरीबों के लिए पानी आया था उन तक पहुँचने से पहले कोई और पानी को खींच ले रहा है इल्लीगल तरीके से। तो इस न्यूज़ के माध्यम से वाटर डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी इल्लीगल बिल्डिंग्स जिसने वाटर से डिपार्टमेंट से परमिशन लिए बगैर कनेक्टिविटी लिया है, और अगर कायदा और इंसानियत बोलती है कि 2 विंग को 2 कनेक्शन है, तो आप वो लो, आप 10-10 कनेक्शन मारोगे तो गरीबों को पानी कहाँ से मिलेगा आगे? ये मसला है। तो इसको पूरा वेरीफाई, पूरा इसके पीछे हमने जांच करके हमको ये मालूम पड़ा है कि जब जब इल्लीगल बिल्डिंग बनेगी, अभी मैं ये ग्रीन व्यू की बात बता देता हूँ, नीचे 24 रूम थे, 24 घर का पानी आता था, आज वहाँ 124 रूम बन गए, यानी आपने 100 फैमिली एक्स्ट्रा डाल दी। पानी तो हमारा बड़ा नहीं ना, आज हमारा पानी अमीनाबाद को जो पानी आ रहा है, पानी वही आ रहा है भाई। अगर अमीनाबाद को 1 गिलास पानी है जिसमें 500 लोग पी रहे, आप वहाँ पे 1000 लोग को लाओगे तो क्या होगा? जिलोज भाई, पिछले दिनों जो ममता ने कार्रवाई की जी, करीबन 1.5 महीना पहले जी हुआ, उस दौरान लोग ये हंगामा मचा रहे थे कि जो अमीनाबाद का इलाका है वहाँ पानी के लिए टंकी बनाई गई, उस टंकी का जो कनेक्शन आया है उसमें अवैध तरीके से जो कनेक्शन लिया गया है उसमें आपका नाम सामने आ रहा था कि आपने बांट के रखा है। बिल्कुल गलत, अगर मैं बांटा होता तो मैं कनेक्शन काटने क्यों जाता? मैंने कनेक्शन काटा भी, और उसके बाद में 2 बार उनको बुला के कार्रवाई कराया, और आज आपको भी बुलाया हूँ। अगर मैंने बांटा रहता तो वो बिल्डर आएगा ना, मेरे को बोलेगा ना भाई तुमने बांटे और तुम ही कटवा रहे हो, काम करने वालों को रोका कैसा जाए? आज मैं जानता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ
इलीगल बिल्डिंग्स बनाने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए, उनको मैं चुप रहा रहूंगा, मगर आपके न्यूज के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरी किसी से कोई दुश्मन ही नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप कमाओ पैसे, मगर लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आप ये तो चीज देखो कि भाई एक चीज अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ की ड्रेनेज भी मैं इसी इलाके की यूज करूंगा, पानी भी जो टीएमसी ने इनको दिया हुआ है उसी में से मैं यूज करूंगा, और मैं अपना पैसा लपट के मैं निकल जाऊंगा। कल ये लोग रोड पे आके चिल्लाएंगे, आज अगर इसको अंकुश नहीं लगा तो आने वाले दिनों में ये अमीनाबाद या जो भी सेवट का एरिया है, आखिरी एरिया जहाँ पानी है, वो पानी के लिए खून के आंसू रोएंगे लोग। मनपा ने जब कार्रवाई करके दो बार काटा, सिर्फ मनपा कनेक्शन काट के जा रही है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई फाइन वगैरह क्यों नहीं करे, इसके बारे में आपने पत्र, इसके बारे में हमने पत्र में उनको दे दिया है क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये संयुक्त विचारधारा फाउंडेशन है हमारी तनवर नगर की, जिसमें 40 बिल्डिंग की एसोसिएशन लोग है, ये कोई छोटा ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग, अगर इसकी मीटिंग कॉल करते तो कम से कम 100-150 लोग जमा होते हैं इसके अंदर, ये सारे लोग हमारे साथ में है। जी सर, जी सर, ये मनपा खुद इन बिल्डरों को बढ़ावा दे रही है, अब मनपा इस पे अपना वो भी लागू कर देती है, टैक्स भी लागू कर देती है, वाटर डिपार्टमेंट का वाटर का बिल भी लागू हो जाता है, फिर भी जब उन्होंने नई इमारत बनाया तो उन्होंने नया कनेक्शन मनपा क्यों ले दी? किसको? आप मेरा, आप मेरा यही मुद्दा ही नहीं समझे, बैठे आप 2 मिनट यहाँ पे, नहीं बैठे ना, बैठे आप, बैठे। मनपा नया कनेक्शन देने को मनपा दे रही है, मगर उससे प्रॉब्लम हल नहीं, हमारा MLD बनना चाहिए। भाई तुमको मैं, तुम्हारी फैमिली को मैं एक बाल्टी पानी रोज सुबह दे दे रहा हूँ, भाई आप नहा लो, भाभी खाना बना लेंगे, एक बाल्टी हो गया। तुम्हारे गांव से 50 मेहमान आ गए, तुम वो एक बाल्टी में चलाओगे क्या? आपको पानी भरना चाहिए। मेरा वही सवाल है, पानी भरना चाहिए तो जो डिपार्टमेंट ले रहा है बिल्डिंग के कनेक्शन का पैसा, तो MLD भी उनको ही बढ़ाना है। नहीं ले रहा है ना, बिना इसलिए तो बोला है, इलीगल कनेक्शन मार के ले रहे हैं, यहाँ पे कोई किसको पूछता नहीं है। मनपा की मौजूदगी में, उनके एतराफ में, आजू बाजू में इतने अवैध निर्माण हो जाते हैं, तो मनपा कार्रवाई करेगा? भाई तो मैं ये काय के लिए बुलाया इधर, मैं वही तो सवाल है, मेरा ही सवाल आप कर रहे हो तो मैं क्या जवाब दूं? आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, मैं आपका ही सवाल दोहरा रहा हूँ। हाँ क्यों, आप खुल के नहीं बोल रहे थे? मैं क्या, मैं खुल के ही बोल रहा हूँ ना भाई, मैं तो ये खुल के ही बोल रहा हूँ, अभी मेरे को मुद्दे पे तो आने दो। अभी ये जिन लोग ये वीडियो बना रहे हैं, हमने ऊपर से एक वीडियो लिया है टेरिस पे से, पूरे अमीनाबाद धूम कंपाउंड का कल का जो सिचुएशन है, 4 टावर खड़े हैं, बाकी 40 है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो। ऐसा नहीं है कि किसी को कमाने नहीं देना या गरीबों को गरीबी हाल में रखना है, नहीं यार, उनको पानी क्या है, बेसिक नीड है, पानी के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, खाने के बगैर थोड़े दिन निकाल लेगा, पानी बेसिक है। आप बिल्डिंग बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, निकल जा रहे हो, और गरीब लोगों का बेसिक नीड में से भी कम करके जा रहे हो, और बाद में वो चिल्ला रहे, तो महानगर पालिका को इलीगल कंस्ट्रक्शन पे अंकुश लगाना चाहिए, यही मेरा बोलना है। और आप लोग को इसलिए बुलाया कि आप जो है इसको ट्वीट करोगे कमिश्नर को, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे लगी कंपाउंड आज से जो पास से महानगर अंकुश लगाने में नाकाम है, नाकाम है, उससे बेहतर आप पानी के MLD बढ़ाने पे जोर दे रहा हूं। देखो ऐसा है कि पानी के MLD पे भी जोर देंगे, मगर उस जोर देते समय और बढ़ाते वक्त में जितना टाइम निकल जाएगा ना, उसमें यहाँ इलीगल के टावर ही खड़े हो जाएंगे। हमको चाहिए बिल्डिंग का काम रोको ऐसे इलाके में, देखो रोड पे बना रहे हो जहाँ पानी की कमी नहीं है, मुमरा में बना रहे हो, कम से कम मेरे जो बिल्डर भाई है इलीगल, वो भी मेरे ही भाई है ना, सब अपन भाई है, उनको ये सोचना चाहिए कि यार उस एरिया में पहले ही पानी का तकलीफ, वहाँ जाके क्यों बिल्डिंग, भाई ये मेरे को बोलने दो ना, वहाँ जाके आप बिल्डिंग बना के पैसा लेके जाए, अल्लाह को भी आप नाराज कर रहे हो, आज उनके भी घर में 2 बच्चे, कल उनके बच्चे बड़े हो रहे, एक बात बोल रहा हूँ, वो भी फैमिली बढ़ रही है, उनको खुद को पानी बढ़ के चाहिए, मगर वहाँ तुम दूसरे लोगों को ला के बसा रहे हो इलीगल तरीके से, और इलीगल कनेक्शन ले रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे कल? भाई जब पानी की तकलीफ होती है हमको, हमारा दरवाजा ठोकते ना लोग आके, हाँ वो बिल्डर तो चला जाएगा, यूपी वाला ने बिल्डिंग बनाया यूपी निकल गया, कोकनी ने बनाया कोकन चला गया, दक्कनी ने बनाया दक्कन चला गया। अभी एक बिल्डर सुबह आया था इधर, एक का पैसे का लपड़ा था, उसको बुलाया था, बोले भाई मैं तो अभी यूपी जा रहा हूँ, मेरा तूने जो बिल्डिंग बनाया भेज दिया, अब उधर पानी की तकलीफ हो जो भी हो कौन देखेगा, इलाके का जो आदमी होगा वो देखेगा। सर आप
राष्ट्रवादी पार्टी में क्या पढ़ते हैं? वाइस प्रेसिडेंट था ना, वाइस प्रेसिडेंट है। कुछ दिन पहले मनसे के सैयद इरफान ने ये वीडियो वायरल किया था, हाँ, कि जितने सर्विस सेंटर है उसमें इलीगल कनेक्शन है जी। और वो बेशतर 80-90% जो है आपकी पार्टी के वोट लगा के सर्विस सेंटर चला रहे हैं और इलीगल कनेक्शन से जी। इससे आपने तो आवाज नहीं उठाया किस पे? इलीगल लाइन जो आपकी पार्टी के लोग सर्विस सेंटर चला रहे हैं। हाँ, मेरी सब पे आवाज है मेरे। मैं देखो बराबर है, बराबर है ना, तो तोड़ो ना करो ना, हम तो उनके फेवर में है। निकालो बोलते काय को दे रहे हो इलीगल, दे कौन रहा है भाई? अगर एक मुमरा पुलिस स्टेशन का सीनियर सोच लेवे कि यहाँ पे चोरी नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी, और पुलिस सोचेगी कि सब होना चाहिए तो सब होना चाहिए। वाटर डिपार्टमेंट जो आप बोल रहे हो ना सर्विस स्टेशन, वो वाटर डिपार्टमेंट से 100 कदम पर है। कितने कदम पर है फिर? तो क्या उनकी आंखें बंद है? आज मुमरा की सिचुएशन आप देखो, और किसके फोटो लग रहे हैं आज? आज वो बिल्डिंगें बनवा रहे, फोटो बदल गए, बिल्डिंगें वो बनवा रहे। आज जो रोड पे बिल्डिंग बन रही है ना, उनके कार्यक्रम और उनके कार्रवाई कौन रोक रहा है? वो लोग रोक रहे हैं। इससे पहले कौन बनवा रहा? जो लोग थे वो बनवा रहे थे। कॉर्पोरेशन अवैध बिल्डिंग और अवैध पानी, कॉर्पोरेशन को टेका चाहिए, बोलने वाला नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आपकी मांग क्या है? मेरी ये मांग है और पूरे अमीनाबाद के लोगों की मांग है, सभी की मांग है, जिसमें हमने लेटर दिया है कि चांद नगर संपम पासून 3 इंचाची लाइन फक्त अमीनाबाद करीता दिलेली लाइन मधून जे अनधिकृत पाण्याचे कनेक्शन जोडणे आले आहेत त्याच्यावर कठोर कारवाई करून सदरचे अनधिकृत कनेक्शन त्वरित कट करणे बाबत। एक तो ये हमारी मांग है, दूसरी मांग किधर है बेटा अपनी वो? हाँ जी, क्योंकि सबसे पहले बिल्डिंग वही बनी है। बताता हूँ ना आपको, ये संपंप है, संपंप से 6 इंच की लाइन आई, सबसे पहले वही बिल्डिंग है और उसने वहां से पानी ले लिया। आगे वालों को मिले नहीं मिले उससे उनको मतलब नहीं। तो उसको रोकने के लिए तो आज ये पत्रकार सभा मंगाया, बुलाया हूं मैं, ताकि उस पर अंकुश लगे, आप लोग ट्वीट करें, हम इसको डालें, कमिश्नर को बताएं कि खासकर ऐसे एरिया जहां ऑलरेडी बेसिक नीड्स की कमी है वहां पे तो मत बनाओ। उसका जवाब लेके बैठा हूँ ना भाई, उसका जवाब ऐसा है कि एक तो होता है कि मैदान होता है, नई जगह होती है, आके बिल्डिंग बनाते हैं। नहीं बता रहा हूँ, 6 महीने के आसपास होती है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, नई इल्लीगल बिल्डिंग, वहां कभी बिल्डिंग ही नहीं थी। ठीक है, वैसी एक भी बिल्डिंग आप बता दो मेरे वार्ड में नहीं बनी। ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ये पहले से 3 माला था, ग्रीन व्यू के लोगों को धोखादायक बिल्डिंग, समझे आप बात को? जब मैंने उसके काम के लिए रुकवाने की बात किया तो ये लोग आए मेरे पास जो लोग वहां रहते थे, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा घर कहाँ होगा? तो एग्जिस्टिंग था तो मैंने बनने, समझे अभी आप? अगर वहां पे नया था ना, नया आप एक भी बता दो मेरे पे। दो लोग आपके पास आए थे, वापस आएंगे तो आप कार्रवाई रोक दोगे? भाई मैं बोलूंगा इंसानियत के नाते 2 कनेक्शन लो, 10 कनेक्शन आप लोगे तो पानी कैसा जाएगा? वो भी इंसान है ना, अभी बन गया आ गए, उनको प्यासा तो नहीं मार सकते। दो लोग अभी जो आपने अपने मांग रखी है और इस मांग पे मनपा कार्रवाई नहीं करती है और अमल नहीं करती है, तो आपका अगला फिर आप लोगों को बुलाऊंगा मैं, और मुमरा प्रभाग समिति है ना वहां पे हम लोग जाएंगे, हम बिल्डर से बात करने, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा हम उसका फोटो खींच के सीधा एएमसी के पास जाएंगे, एएमसी ने नहीं सुना तो सीपी के पास जाएंगे, और भूख हड़ताल नहीं करेंगे, हमको भूखा रहने का, खा पी के करेंगे सब काम हम।